चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, अब गांवों में सरकारें चुनी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। नीमच जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे और नीमच में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ आचार संहिता भी लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव घोषित कर दिए है। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहला चरण में 6-5 जनवरी को वोट डलेंगे, दूसरे चरण में 28 जनवरी और तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान होगा। नीमच जिले में मतदान तीसरे चरण में होगा। नीमच जिले में तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान होगा। नीमच जिले में मतदान की प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 30 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी होगी और 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। नीमच जिले में मतदान 16 फरवरी को होगा। पंच और सरपंच पद की मतगणना मतदान के बाद होगी। मध्य प्रदेश में 23,835 पंचायतें, 904 जिला पंचायत सदस्य, 6,833 जनपद सदस्यों के लिए मतदान होगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए जिला पंचायत के 52 अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्ष और 3,77,551 पंच चुने जाएंगे।